हेलो गाइस, मैं हूँ गौरव और आज हम बात करने वाले हुंडई क्रेटा 2021 के एमआईडी के बारे में और इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं एमआईडी के पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या क्या फीचर्स दिखा था। ये फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर दिखेगा, यहाँ पे ड्रायर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, एवरेज कितने किलोमीटर्स चले वो सब, यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दिखेगी, और यहाँ पे एवरेज। तो एवरेज अभी देख सकते हो 8.5 किलोमीटर पर लीटर मिल रहा है और ये पेट्रोल मॉडल है। और यहाँ पर नीचे आपको आउटसाइड टेम्परेचर दिखेगा, यहाँ पे ओडोमीटर और यहाँ पर रेंज दिखती है ऊपर। अभी अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो सेटिंग्स में आपको लाइट की सेटिंग्स मिलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाद में आपको डोर की सेटिंग्स मिलेगी, डोर ऑटो अनलॉक लॉक, यहाँ पे साउंड की सेटिंग्स मतलब यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ कर सकते हो आप, वेलकम साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो, कन्वीनियंस वाइपर्स और लाइट डिस्प्ले की वार्निंग, और आईसी रोड वार्निंग। आईसी रोड वार्निंग मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड है ये। यहाँ पे सर्विस इंटरवल। अदर फीचर्स में जाएंगे तो फ्यूल इकोनॉमी यूनिट सेट कर सकते हो आप, टेम्परेचर यूनिट सेट कर सकते हो मतलब सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, या रिसेट कर सकते हो। तो इतने सारे फीचर्स आपको एमआईडी में मिलते हैं जो कि बहुत सारे हैं। अब चलते हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम के पास। तो ये है क्रेटा 2021S मॉडल का टच स्क्रीन सिस्टम जो कि 8 इंच का है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आपको साइड पे भी बटन्स मिलते हैं और स्टेयरिंग व्हील पे भी कंट्रोल्स मिलेंगे यहाँ पे। तो अब चलते हैं ऑल मेन्यू में। तो मेन्यू में आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं और इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी आपको मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मीडिया, रेडियो, सेटिंग्स में अगर आप चले तो साउंड सेटिंग, डिवाइस कनेक्शन, व्हीकल डिस्प्ले, जनरल एंड बटन। तो अभी डिस्प्ले में चले तो डिमिंग में आपको ऑटो इल्यूमिनेशन, डे लाइट, नाइट लाइट आपको यहाँ पे ये सेट कर सकते हो। ब्राइटनेस में अगर आप चले तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, नाइट के लिए कौन सा चाहिए, डे के लिए कौन सा चाहिए। ब्लू लाइट में अगर आप चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इन्फोटेनमेंट से जो लाइट आती है वो लाइट से अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर बाहर अंधेरा रहेगा तो ये जो ब्लू लाइट है वो कंट्रोल करेगा ताकि आपके आंखों में तकलीफ ना हो। स्क्रीन सेवर आप लगा सकते हो और ये होम स्क्रीन की सेटिंग। व्हीकल सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एयर सर्कुलेशन की सेटिंग्स मिलेगी, देख सकते हो आप। यहाँ पे ऑटोमेटिक वेंटिलेशन की सेटिंग्स, साउंड में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सारे साउंड सेटिंग्स आपको मिलेगी। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल मतलब अगर स्पीड जैसे बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा और स्पीड डिक्रीज करने पे वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। और ये एस मॉडल में आपको आर्कमिस साउंड सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स मिलते हैं, इक्विलाइजर देख सकते हैं, वॉल्यूम रेशियो, डिवाइस कनेक्शन में एप्पल कारप्ले और ब्लूटूथ के लिए सेटिंग्स मिलेगी। जनरल सेटिंग्स में अगर चले तो आप ये इन्फोटेनमेंट रिलेटेड सेटिंग्स मिलेगी। लैंग्वेज सेट कर सकते हो, 3 लैंग्वेजेस है, ये कोरियन है। ब्लूटूथ रिमोट लॉक, तो अगर आप ये ऑन करोगे तो आप कौन, अगर आपका मोबाइल कनेक्टेड भी रहेगा ब्लूटूथ से सिस्टम को तो भी आप मोबाइल के थ्रू ये सिस्टम ऑपरेट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर आपको शॉर्टकट बटन्स मिलेंगे, ट्रैक चेंज कर सकते हो, सेटअप में आप डायरेक्टली जा सकते हो और यहाँ से आप रेडियो ट्यून कर सकते हो या एंटर भी कर सकते हो, प्रेस करने पे एंटर हो जाएगा। यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो और इन्फोटेनमेंट सिस्टम बंद चालू कर सकते हो। यहाँ से रेडियो और यहाँ से मीडिया ऑपरेट कर सकते हो, आप देख सकते हो। ब्लूटूथ ऑडियो, USB, कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। और अगर आप स्टार में जाओगे तो स्टार, ये बटन को आप कौन से भी शॉर्टकट के लिए असाइन कर सकते हो। यहाँ पे इतने सारे शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे तो कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये इसको आप होम पे सिलेक्ट करते हो तो ये स्टार बटन दबाने से आप होम पे चले जाओगे, देख सकते हो। और ऑल मेन्यू में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स तो है। DRVM भी मिलता है आपको, DRVM मतलब ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर। तो अगर इसे आप प्रेस करोगे तो आपका रियर व्यू कैमरा ऑन हो जाएगा वाइल ड्राइविंग, तो एक बहुत अच्छी बात है।
तो अभी मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स मिलते हैं। आर्कमिस साउंड सिस्टम आपको मिलेगा, 2 ट्विटर आपको यहाँ पे पिलर पे मिलते हैं, ए पिलर पे, और 4 स्पीकर आपको यहाँ पे नीचे डोर पर मिलते हैं। तो अभी आप साउंड सुनिए। तो साउंड सिस्टम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, और सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो आपके हिसाब से आप साउंड एडजस्ट भी कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यही था मेरा आज का वीडियो क्रेटा 2021 के इन्फोटेनमेंट सिस्टम और MIDI के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे आप नीचे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।